गुरुवार के दिन मझौलिया स्वास्थ्य सामुदायिक भवन में आशा दिवस के शुभ अवसर पर भारत सरकार व राज्य सरकार के सहयोग से आशा कार्यकर्ताओं को उनके कर्तव्यों को देखते हुए उन्हें एक सेलफोन प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख सुक्ता मुखी को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया तथा स्वास्थ्य प्रबंधक शकील अहमद ने गुलदस्ता भेंट कर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी रंजन कुमार सिंह को सम्मानित किया। तत्पश्चात उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं को प्रखंड प्रमुख सुक्ता मुखी ने एक एक सेलफोन दिया। राष्ट्रीय जननी बाल सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण आदि आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों का सेल फोन पर डाटा अपलोड करने की सलाह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने दी। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। देखिए खबर संवाददाता मनीष कुमार के साथ। आशा दिवस के शुभ अवसर पर आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल का वितरण किया गया है, जिससे वो लोग अपना सारी व्यवस्थाएं काम आसानी से कर सकती है। और जो आशा कार्यकर्ताओं को दी गई है जो मोबाइल, उस संबंध में थोड़ा सा बताएं। आशा दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के द्वारा सभी आशा कार्यकर्ताओं के बीच में मोबाइल का वितरण किया गया है। उसी वितरण हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्तर से पंचायती राज पदाधिकारी में और प्रखंड प्रमुख उपस्थित थे और आशा कार्यकर्ताओं के बीच में यह मोबाइल वितरण किया गया तथा उनके विभागीय पदाधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि किस प्रकार से समय रिपोर्टिंग करना है और सभी बातें जो है मोबाइल के माध्यम से शीघ्र कर लिया जाए। आपके पीएससी में आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल दिया गया है, किस उद्देश्य से दिया गया है, इसके बारे में प्रकाश डाला जाए। सरकार की तरफ से जो आज मोबाइल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके पीछे मकसद है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सूचना है उसको समयबद्ध जो है उसमें एंट्री की जा सके और उसकी सूचना ससमय स्वास्थ्य विभाग को मिल सके। जी।